मेरा नमस्कार। सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज मैं आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग को हम सामान्य भाषा में लें तो योग हर एक चीज को करने की कुशलता में पाया जाता है। चाहे वो किसी भी कार्य को आप करते हो तो हर एक काम को हम मन से और शरीर से और आध्यात्मिक रूप से हम उसको करते हैं, तो उन सभी में योग छिपा हुआ है। तो कर्मों की कुशलता ही योग है। तो चलिए हम योग दिवस के उपलक्ष्य में हम प्राणायाम अभ्यास शुरू करेंगे। प्राणायाम की स्थिति में हमें सबसे पहले इस प्रकार से आपको सुखासन, पद्मासन या किसी भी आसन में आपको बैठना है। सर्वप्रथम आप इस तरह बैठ जाइए और उसके बाद हम दोनों हाथों को रखेंगे इस प्रकार घुटने में और तीन बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे से, एक बार और गहरा लंबा श्वास, एक बार फिर से सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण। अगला अभ्यास हम करेंगे शशांक भुजंगासन, जिसके लिए हमको सबसे प्रथम ब्रजासन में हम इस तरह बैठेंगे और उसके बाद हमको अपने दोनों हाथों पर उठाने धीरे धीरे और नीचे अपना माथा जमीन से लगाएंगे। कुछ सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे, उसके बाद हमारे दोनों हाथ इसी अवस्था में रहेंगे और धीरे धीरे हम इस तरह से घुटनों को सीधा करते भुजंगासन की स्थिति में यही से। फिर से वापस शशांक भुजंगासन में, शशांकासन में। और हाथों की स्थिति हमारी बराबर रहेगी इस प्रकार से। अब हमको यही से भुजंगासन की स्थिति मार वापस शशांक आसन। तो इस प्रकार से हमको शशांक भुजंगासन करना है। आप इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। तो आज मैं आपको इतना ही आपको बताऊंगी। आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर करिए।